महात्मा गांधी की कर्मभूमि पश्चिमी चंपारण के भितिहरवा गांधी आश्रम स्थित कस्तूरबा कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय में मास्क निर्माण कर वहां की बच्चियां और स्थानीय महिलाएं एक मिसाल पेश कर रही हैं। एक रिपोर्ट। कोरोना महामारी के दौरान बच्चियों को पढ़ाई के साथ उन्हें हुनरमंद बनाने का भी प्रयास किया जा रहा है। कस्तूरबा कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रतिदिन 7 से 8 हजार मास्क तैयार किया जा रहा है। इस काम में 60 से 70 महिलाओं के साथ छात्राओं को भी काम मिल रहा है। विद्यालय की छात्रा खुशी और ज्योति का कहना है कि लॉकडाउन ने हम लोगों को हुनर सीखने और आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिला है। कोरोना महामारी में हम मास्क का निर्माण कर रहे हैं, जिससे इससे कुछ पैसा मिलकर हमारा परिवार का जीवन हो रहा है और हमारा आत्मनिर्भर बन रहे हैं। हम लोग कोरोना इस महामारी में मास्क बना रहे हैं जो अच्छा क्वालिटी का है, खुद खादी और सूती वस्त्र का है, जिसे लोगों को सुरक्षा पाने के लिए ये बहुत अच्छा है। हम लोग को आत्मनिर्भर बनने के ये मौका छोटा सा प्रयास है। मास्क तैयार करने वाली स्थानीय महिला बबीता देवी का कहना है कि उन्हें रोजगार का साधन मिला है, जिससे कोरोना काल में उन्हें अच्छी कमाई हो रही है। विद्यालय के सचिव दिनेश यादव और प्रधानाध्यापक दीपेंद्र वाजपेयी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार किया जा रहा है। आज वैश्विक महामारी में गांधी आश्रम भितिहरवा के कस्तूरबा कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय प्लस टू में थारू बहुल क्षेत्र की महिलाएं और बच्चियों को गांधी जी के सपना को साकार करने के लिए मास्क बनाने का काम शुरू किया गया, जो आज जिला और देश विदेश से भी इस मास्क का मांग आ रहा है, जिसको हम लोग पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, विद्यालय की जो पूर्ववर्ती छात्राएं हैं और गांव की जो महिलाएं हैं जो बेरोजगार हैं, उन सबको लेके हम लोगों ने कुटीर उद्योग के रूप में जो है मास्क बनाने का काम जो है शुरू किया है, और यह आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक छोटा सा प्रयास है जो सफल है। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कर्मभूमि भितिहरवा ग्रामीण स्तर पर लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में अहम भूमिका निभा रहा है। पश्चिम चंपारण से आशीष कुमार की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना।